आपने कहा कि आई वॉज वेरी हर्ट, मैं कभी उनसे मिलना नहीं चाहती, मैं उनको देखना नहीं चाहती, लेकिन कट्टू हम एक साल बाद देखते कि आप उनके साथ हैं। मैंने तुम्हारा पैसा भी लेना बंद कर दिया, मैंने अपने पैसे से करनी शुरू कर दी। मुझे लोगों ने यहाँ तक बोला था हेमा तेरा करियर खत्म, अब तुझे कोई काम नहीं देगा, तूने सलमान जी के साथ पंगा ले लिया। आपके हस्बैंड ने मतलब कुछ इल्जाम लगाए कि कहा कि भाई आप बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ गए, आप उनसे कुछ 2.5 करोड़ का घर मांग रहे। या हाय, दिस इज़ मी हेमा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन DNA। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे वायरल भाई भी बनाया है बाय द वे, और आज मैं सामने से ये मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया, अगर आप मेहनत करते हो तो फिर जिस चीज़ पे आप वायरल हो रहे हो वो आपके साथ में बराबर में बैठी होती है, माइक भी हाथ में होता है। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सिमरन सिंह, और आज बिग बॉस सीजन 18 के पहले एविक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं हमारी वायरल भाभी हेमा शर्मा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग DNA। थैंक यू सो मच। एक बात है कि 2 हफ्तों में आपका सफर खत्म हो गया, ऐसा लगा कि यार थोड़ा लंबी रेस के घोड़े हैं आप निकल गए। व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट, बिकॉज 10 लोग नॉमिनेट हुए थे, उसमें से बग्गा पाजी भी थे जिनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा आपके कंपैरेटिवली, लेकिन पब्लिक ने उनको बचाया, आपको निकाला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग की अगर बात करें तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि बाहर किसने किसको क्या वोट दी है, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगी कि मैं आना बाहर डिजर्व नहीं करती थी, चाहे घर के कंटेस्टेंट की आप बात करें या बाहर की जनता की बात करें। मैंने जो है पूरी तरीके से जो है अपना 100% दिया था। जैसे आपने कंपेयर किया है बग्गा जी के साथ, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ मैं कंपेयर अपना करना नहीं चाहती, मेरे जेल के साथ ही रहे हैं वो, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि कुछ वोटिंग का अगर इशू हुआ है तो उसमें मैं हेल्पलेस हूँ, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, आई गेव माई बेस्ट इवन बेटर। आपके हिसाब से अगर आप नहीं तो किसको जाना चाहिए था? मैं तो बोलता कि देखो मैं चला के और वो रह गया। हाँ, मेरा छोड़ दीजिए, कभी कभी आपसे ज़्यादा दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि ये जो बिग बॉस का जो गेम है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता भी आज बोल रही है कि मुस्कान, अगर हेमा जी बाहर है तो मुस्कान घर के अंदर क्यों है, ठीक है। और घर के लोगों ने भी सलमान जी के सामने जब पोल किया गया था कि आपको क्या लगता है कौन जाएंगे, तो सीधा बोला था या तो मुस्कान या बग्गा जी, किसी के दिमाग में नहीं था कि हेमा जा सकती है। ये मेरे लिए तो शॉकिंग है या नहीं है, था वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे घर वालों के लिए, 17 कंटेस्टेंट के लिए ये शॉकिंग था कि हेमा, क्योंकि सबको था कि हेमा एक लंबी प्लेयर है। रजत ने मुझे बैठ के बोला था कि हेमा जी आपको नहीं पता कि आप लीड कर सकती हैं। आरफिन ने आधे घंटे पहले बोला था कि तू टॉप 5 तक जाएगी, अगर तू नहीं गई तो मेरे को अपने माइंड को छोने पे डाउट हो जाएगा। और जब ये उन्होंने देखा तो उनका ऐसा था कि व्हाट। तो आई थिंक बाहर की जनता और घर के कंटेस्टेंट ये चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। मेरे पास DM भरे पड़े हैं कि हेमा जी ये हुआ कैसे, क्योंकि आप अच्छा कर रही थी और जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वो घर के अंदर है, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा, ये कोई गेम है या कोई प्लानिंग है या वोटिंग का इशू है, हमें नहीं पता, बट आई थिंक हेमा जी आप बाहर आना डिजर्व नहीं करती। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप बिग बॉस के घर में आए, जब आपकी एंट्री हुई उस स्टेज पे, जब आपका नाम अनाउंस हुआ, एक इट वॉज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज यही एक साल पहले आपने यू नो एक जिक्र किया था एक इंसिडेंट का, जब आप Dabang 3 में आप उनके साथ काम कर चुके, लेकिन जब आप उनसे मिलना चाहते थे तो उनकी टीम ने बदतमीजी की है ना, आपने मतलब बहुत इंटरव्यूज दिए जहाँ पे आपने कहा कि आई वॉज वेरी हर्ट, मैं कभी उनसे मिलना नहीं चाहती, मैं उनको देखना नहीं चाहती, लेकिन कट्टू हम एक साल बाद देखते कि आप उनके साथ हैं। तब क्या हेमा की सोच थी, अब क्यों फिर हेमा ने डिसाइड किया कि बिग बॉस करना चाहती है, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिग बॉस OTT 3 के लिए गई थी, लेकिन उनको मेरे अंदर इतना टैलेंट दिखा, उन्होंने मुझे बोला कि हेमा को हम ये OTT में नहीं लेना चाहेंगे, हम उसको बड़े के लिए कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये बड़े में जाना डिजर्व करती है, ठीक है। जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी जो आप बात कर रहे हैं 2023 में हुई थी, और तब भी बिग बॉस चल रहा था, और लोगों ने मुझे, काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये शायद बिग बॉस में आना चाहती है, इसलिए इसने इशू किया। लेकिन आज मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू नॉर्मल वायरल भाभी के ऊपर था, बच्चों की मेरे से सवाल पूछेगा जैसे अभी आप पूछ रहे हैं, तो मैं इसका आंसर देती हूँ। अगर मेरे साथ जो हुआ 3 साल के बाद, जो मेरी बेइज्जती हुई थी, इंसल्ट हुई थी, वो बताते बताते मैं अगर रो पड़ी और मेरा वीडियो अपलोड कर दिया गया, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि वो वीडियो वायरल हो जाएगा और तहलका मच जाएगा जो पूरे 3 दिन मचा था। मुझे लोगों ने यहाँ तक बोला था हेमा तेरा करियर खत्म, अब तुझे कोई काम नहीं देगा, तूने सलमान जी के साथ पंगा ले लिया। मैंने बोला मैंने पंगा नहीं लिया, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बोला, और मैंने कोई प्री प्लानिंग करके नहीं बोला। अगर प्री प्लानिंग करती तो मैं वो ऑर्डिनरी साड़ी पहन के नहीं जाती, मैं थोड़ा सा धज के अच्छा सा प्री प्लानिंग करके जाती, ओके। तो मैंने तब भी बोला था कि मैंने जो बोला सच बोला, और मेरा करियर खत्म नहीं हुआ, मेरा करियर आने वाले समय में सलमान खान जी ही बनाएंगे, और बिग बॉस में जाना सलमान जी ही मेरा रीज़न है, ये मैं आज पहली बार बता रही हूँ। इंडस्ट्री में आना मेरा रीज़न सलमान खान जी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी,
और उनसे मिलने के लिए ही मुझे इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ा, दबंग थ्री करनी पड़ी। दबंग थ्री मुझे ऑफर नहीं हुई थी, दबंग थ्री मैंने की कि मुझे दबंग थ्री का हिस्सा बनना है और मैं इसका हिस्सा बनूंगी, मेरा पासिंग शॉट भी होगा तो भी मुझे चलेगा। बट मैं हमेशा लकी रही हूँ, ऊपर वाले ने ऐसी सुनी, जिसको कैसे शाहरुख खान जी कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो, ऊपर वाले ने सुना, पहला सीन मेरा और ओपनिंग सीन मेरा, सारी लाइनें रखी, मेरे बर्थडे पर रिलीज हुई, 2 अक्टूबर था, और बिग बॉस जिस दिन आया वो भी 2 अक्टूबर था। ये बात मैंने सलमान जी को कही, और मैं तो बिग बॉस के अंदर थी, मुझे नहीं पता पहला सीन क्या है, लेकिन अब मैं जब बाहर आई, मेरी बहन ने बताया कि बहन ओपनिंग से मतलब बिग बॉस का सबसे पहले कंटेस्टेंट जिसकी आवाज़ आती है वो तू थी। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि ऊपर वाला मेहरबान तो है, मां शर्मा वायरल भाभी। अच्छा, तो आपको मतलब कोई मलाल नहीं है विद सलमान खान या उनकी टीम से जो हुआ था उस टाइम? देखिए, मलाल ये है कि मैं मिलना चाहती थी, और शायद मेरे जैसे कितने भी लोग हैं वो भी मिलना चाहते होंगे, करोड़ों फ़ैन हैं, लेकिन मैं वो उन फ़ैन से ज़्यादा हटकर हूँ, क्योंकि वो तो मिलना चाहते हैं, लेकिन आपने मिलने के लिए किया क्या? मैंने तो साबित किया ना अपने आप को, साथ में काम किया ना, है ना, उनके लिए मैंने इंडस्ट्री में आई तो एक नाम तो जोड़ा ना, हेमा शर्मा एक्ट्रेस, तो इतना तो बनता है यार, है ना। और अगर नहीं भी मिलाना था तो प्यार से बोल देते, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। एक नॉर्मल लड़की थी मैं, पंडित जनार्दन जी के साथ गई थी, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, पर इतने लोगों के बीच में कि इसको कौन लेके आया, इसको निकालो, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आज बोलती हूँ कि थैंक यू जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अगर वो ये ना करते तो मैं हर्ट ना होती, और मैं अगर हर्ट ना होती तो अपनी बात नहीं रखती, और अगर मैं बात नहीं रखती तो मैं बिग बॉस में कैसे आती। हेमा जी, समय की कमी है तो मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे आप कहते हैं कि 2 हफ्ते में क्या हुआ ऐसा कि निकल गए, एक चीज़ होती है परसेप्शन, लोगों के प्रति जो एक छवि एक सेट हो जाती है। अभी हाल ही में लास्ट वीक में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट आई जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक एक इफेक्ट हुआ था, जब आपके हस्बैंड ने मतलब कुछ इल्ज़ाम लगाए कि कहा कि भाई आप बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ गए, आप उनसे कुछ 2.5 करोड़ का घर मांग रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि भाई हम लोग अलग रहते हैं, मैं उनको 1 लाख रुपये महीना देता, तो बहुत चीज़ें हुई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसने बहुत इफेक्ट किया। आप इस सब इल्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सब न्यूज़ भी आ सकती हैं। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा तो मैं बहुत साइलेंट हूँ, और इस बात का जवाब मैं आपको विद प्रूफ दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ तो वो इनकम्प्लीट है और उसका मायने कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? कि ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं ये मैं विद प्रूफ दूंगी आपको, अगली जब मेरी मीटिंग होगी आपसे, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, तो आप इस बात का जवाब विद प्रूफ आप लें मेरे से। देखिए, छवि तो मैं मानती नहीं हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ कि उल्टा अच्छा है कि चलो भैया और हेमा शर्मा को फेमस कर दिया। देखो, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हो। मैं तो ये बोलती हूँ भैया कुछ और भी कहना हो तो वो भी कह लो, मेरा समय चल रहा है, तुमने मुझे ये बोला था तू है कौन, तुझे जानता कौन है, तुझे कुत्ता भी नहीं जानता था। तो भैया हेमा शर्मा ने अकेले साधारण कपड़े पहन के मेहनत की, आपने बोला तुम जो चैरिटी करते हो मेरे पैसे से करते हो, मैंने तुम्हारा पैसा भी लेना बंद कर दिया, मैंने अपने पैसे से करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जब बात खुलेगी तो खुले मैदान में खुलेगी, है ना। ये एक लाइन में आपको क्या समझ में आएगा, कहानी सुननी है तो पूरा इंतज़ाम करके आना, पूरी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हेमा की कहानी ऐसी नॉर्मल कहानी नहीं है। अगर नॉर्मल कहानी होती तो आज बिग बॉस का हिस्सा नहीं हो रही होती, है ना जी। ओके, सो बिग बॉस की अगर मैं बात करूं, अब बस 2 हफ्ते, लेकिन 2 हफ्तों के बाद जो पूरी गेम बची है, क्या लगता है आपको कौन लंबी रेस का घोड़ा, कौन ऐसा है जो बस येड़ा बन के पेड़ा खड़ा आपके हिसाब से? उसमें सारा भी हो सकती है, क्योंकि सारा भी सबके साथ बराबर इक्वल रखती है, अविनाश को छोड़ के, ठीक है, अदरवाइज वो सबके साथ बराबर रखती है, उसको किसी से कुछ ऐसा नहीं है। ईशा एलिस बहुत उनके साथ घुसे रहते हैं, और ये भी है, और चाहत भी झगड़ा भी करती है और फिर वहीं जाके बैठ जाती है। विवियन के साथ हमने देख भी लिया, समझे, तो जहाँ झगड़ा कर रही है वहीं जाके बैठ जाती है कि भैया मैं तो एकदम बहुत बढ़िया हूँ, मुझे भी लगा कि भैया इसका मानना पड़ेगा, अभी तो ये मेरे से झगड़ा करके हटी, और फिर बोलती है हेमा दीदी खाना खाया, तब मैंने ऐसे देखा कि भैया मानना पड़ेगा ये देवी है पक्का। अच्छा, कौन डिजर्व नहीं करता जीतने का, मतलब अगर वो जीत गया वो बनता, बोला ये जीत गया,
ईशा बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस जीता ना एक मैच्योरिटी होना चाहिए, आपका लेवल होना चाहिए, ठीक है। करण जीतेगा तो भी चलेगा, उनकी लाइफ की जर्नी रही है, बंदे ने दुख इतना देखा है। विवियन भाई ठीक है, उनकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। विनर बनने के लिए आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत मैटर करती है, तो मुझे ऐसा लगता है अविनाश अगर बनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने बिग बॉस में जो सिर्फ इमेज क्रिएट करी है उसके दम पे वो जीता तो अलग बात है, बट पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस डाइजेस्ट कर सकता है। सक्सेसफुल बनने का सक्सेस मिलने का वही पर्सन डिजर्व करता है जो डाइजेस्ट कर सके। अभी एक दो लोग ऐसे बने हैं लास्ट कंटेस्टेंट जो डिजर्व नहीं करते थे जनता के अकॉर्डिंगली, बट वो जीते हैं, बाकी तो बिग बॉस जाने भगवान जाने। चलो हेमा जी, सो समय की कमी के कारण विश यू ऑल द बेस्ट। मैं रियली चाहता हूँ जो एक दूसरा आपका जो पक्ष है वो जरूर बाहर है, सो वेटिंग फॉर दैट एज वेल। आपके साथ ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला बस आप उस दिन समय लेके आइएगा। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, या वेरी सून। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम डीएनए, कीप वॉचिंग।